नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। रुझान में बड़ा उलटफेर हो गया है। भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है। इससे पहले शुरुआती रुझानों में सुबह 8 बजे से कांग्रेस एक तरफा जीत की ओर थी। पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया था। भाजपा कम होकर 17 सीटों पर सिमट गई। जैसे ही 9:30 बजे भाजपा टक्कर में आ गई और दोनों में 2 सीटों का अंतर रह गया। सुबह 9:45 बजे एक समय ऐसा आ गया जब दोनों पार्टी 43-43 सीटों पर आ गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 27 सीटों पर बीजेपी की लीड 2000 से कम है। इन पर कभी भी उलटफेर हो सकता है। लाडवा सीट से सीएम नायब सिंह सैनी और हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रहे हैं। जुलाना सीट से पूर्व रेसलर विनेश फोगाट आगे हो गई है। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते पर हमेशा चलती है, और संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम किया, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम किया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। पार्टी अभी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, लेकर अभी वेट कीजिए थोड़ा सा। अभी सारे रिजल्ट यही करके आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू कर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा। फील्ड में रह के ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। दिनेश, कांग्रेस नेता आरोप लगा, किसी को कुछ नहीं बोल पा रहे। शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया है, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे को उम्मीद जताई है। अरे भाई, तो इसका मतलब हम महान आदमी है। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गए, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के। क्या हुआ? वो जहां जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। अच्छा, ये कहना चाहेंगे, हरियाणा की जनता को बधाई है। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया, किसान आंदोलन के नाम पर किया गया, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर किया गया, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बना रही है। और जाट बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहां से जीते हैं, सब बधाई के पात्र हैं। क्या लगता है जो जात जात का कांग्रेस खेल खेल रही थी, जाट को लेकर या नहीं चला? देखिए, जो पहलवानों का आंदोलन, इसमें जो पहलवान कथित पहलवान है, ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है। और खलनायक ये अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, उन्हीं हरियाणा के बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया और पूरे 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। तो आज उसी का परिणाम है कि जाटों ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट देने का काम किया है। जुलाना सीट जो की हार्ड सीट मांगी जा रही थी, वहां से दिनेश फोगाट। एक तो मैं आपसे निवेदन है कि डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। जो मेरे पास खबर है, वी आर टचिंग द मेजोरिटी, कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी, कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है। जैसा आप क्रिएट किया जा रहा है, बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारी सीटें हैं जो तो हम जीत चुके हैं और अपडेट नहीं की। जैसे चक्का साहब है, शैली है, रामकोण है, अशोक अरोड़ा है, ऐसे कई सीटें हैं जो हमारे खबर में हैं। जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, गद्दे में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे रोहतक में हम लीड में जा रहे हैं। तो ये अपडेट नहीं हो रहा है बेटा इलेक्शन कमीशन में, और कई जगह काउंटिंग रुका की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप में डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। सर, आप इतने शांत रहो,